आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सेशन जज को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सेशन जज दरख्वास्त सुनकर इसका मेरिट पर फैसला करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सेशन जज को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे साकिब बशीर से। अपडेट कीजिएगा साकिब। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जो दरख्वास्त थी कि शहबाज गिल है उनका जिस्मानी रिमांड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त खारिज की थी उसके खिलाफ एडिशनल सेशन जज ने नजरसानी दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दी थी। अब हाई कोर्ट ने यह कहा है कि एडिशनल सेशन जज जो पुलिस की दरख्वास्त है जिस्मानी रिमांड की उसको दोबारा सुने और जो नजरसानी दरख्वास्त है वो काबिले समाअत है। आज ही ये हुक्म दिया गया है कि आज ही एडिशनल सेशन जज इस दरख्वास्त को सुनेंगे और क्योंकि शहबाज गिल की दरख्वास्त एडिशनल सेशन जज जो ज़ेबा चौधरी हैं उनके पास ज़ेरे समात है तो अदालत ने कहा है कि शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत और ये नजरसानी दरख्वास्त दोनों को इकट्ठा सुना जाएगा। अभी थोड़ी ही देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो तहरीरी फैसला है वो भेजा जाएगा सेशन कोर्ट को और सेशन कोर्ट उसके मुताबिक दोनों केसेस की समाअत आज ही करेंगे और आज ही उस पर फैसला जो है वो दिया जाएगा। जी ठीक है साकिब, ये भी बताइएगा कि इस वक्त वहां पर सूरत हाल क्या है, शहबाज गिल भी अदालत में मौजूद हैं? शहबाज गिल इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं। तमाम अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है इस हवाले से जो माहिर कानून है उनकी आरा जो है मुख्तलिफ है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पुलिस उसको शहबाज गिल को इस्लामाबाद कचहरी में लाएगी क्योंकि जो शहबाज गिल का जो फिजिकल रिमांड खत्म हुआ था उसके फौरन बाद रिवीजन फाइल हुई थी तो अब वही पोजीशन जो है दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्योंकि बहाल कर दी है तो इसलिए जो फिजिकल रिमांड के दौरान जिस तरह मुलजम को पेश किया जाता है बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो शहबाज गिल है उनको पेश किया जाएगा। अगर अदालत ने मजीद फिजिकल रिमांड की दरख्वास्त मंजूर कर ली तो उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, अगर मंजूर ना की तो अडियाला जेल भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर।